विश्व हिंदी दिवस के मौके पर बुधवार को तीर्थ नगरी हरिद्वार में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजित सम्मेलन के अंतर्गत एक बैठक की भी की गई है। बैठक में बीजेपी सांसद नरेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि हम संकल्प लेंगे कि हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिले। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ में भी इसको आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त हो। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने कई छोटे छोटे देशों की भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है, जबकि दुनिया के लगभग 250 विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। ऐसे में हिंदी को भी आधिकारिक दर्जा प्राप्त होना चाहिए। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। महत्वपूर्ण विषय हिंदी है और हिंदी पूरी दुनिया में सर्वाधिक समझी जाने वाली, बोली जाने वाली या पढ़ी जाने वाली भाषा है। मुझे लगता है इस देश की आबादी 140 करोड़ है। इस 140 करोड़ में 80 से 90% लोग हिंदी बोलते हैं और जो शेष भी हैं वो हिंदी समझते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसलिए जो कल हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर जो कल सम्मेलन है वो हरिद्वार में हो रहा है। हमने ब्रिटेन में ये तय किया था कि हरिद्वार गंगा के तट पर संकल्प लेंगे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का तत्काल दर्जा मिले और हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा हो। ये छोटे छोटे देश हैं, उनकी संयुक्त राष्ट्र संघ में वो उनकी भाषा को आधिकारिक